नमस्कार दोस्तों, अभी हम आप पहुंचे हैं गढ़वा के इतिहास में। ये एक मंदिर है, जैसा कि आप बोर्ड में देख रहे हैं वहाँ पे हम चलेंगे बाबा खोडहरनाथ के मंदिर में। और अभी हम गेट पे हैं, यहाँ से कुछ ही दूरी पे ये मंदिर पड़ता है। और ये मंदिर की दूरी महज यहाँ इस रोड से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है ये मंदिर स्थापित। और अभी हम चलेंगे इस रोड के माध्यम से जो ये रोड जा रही है यहाँ से। ये दूसरा गेट है जो आप हम देख रहे हैं यहाँ पे, और इस गेट से अभी हम चलेंगे मंदिर की ओर। ये कुछ निर्देश दिए हुए हैं यहाँ पे, आपको हम दिखाते हैं क्या निर्देश दिए हुए हैं। यहाँ पे बोर्ड में कुछ पर्यटक स्थल के बारे में निर्देश दिए हुए हैं जो आप यहाँ पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए, ये आपको दिखाई देंगे। यहाँ पर झारखंड सरकार पर्यटन कला खेलकूद द्वारा जो है, और ये खोडहरनाथ मंदिर बहुत ही प्रचलित मंदिर है गढ़वा के इतिहास में। हम आपको दिखाते हैं, अब चलते हैं यहाँ से सीधे इस रास्ते से होकर के मंदिर की ओर। ये इस रोड से चलेंगे हम और चलकर वहाँ का आपको नज़ारा दिखाते हैं। तो चलिए चलते हैं, हमारे साथ इसी तरह से वीडियो में बने रहें। ये मुख्य द्वार, और हम यहीं से चलेंगे अभी अंदर, आपको दिखाएंगे। हमें काफ़ी उत्सुकता थी हमें यहाँ आने के लिए, और हम काफ़ी दिनों से तैयार भी हो रहे थे। आज हम पहुँच चुके हैं इस मंदिर के परिसर में, और दिखाते हैं हम बाबा का दर्शन कराते हैं। ठीक है, जाओ। जंग में जो है ना, वो जो फूल पत्ती चढ़ा हुआ है वही है कि हम उतर रहे हैं मुख्य जहाँ पे इनका वास है, और यही बाबा हैं। देखिए, दिखा रहे हैं हम, ये प्राकृतिक देन। ये जो आप देखें, हम जैसे कि उत्तर प्रदेश में आपको दिखाए थे सोनभद्र में, ठीक उसी प्रकार अभी हम दिखा रहे हैं आपको एकदम नज़दीकी से। और ये हम थोड़ा उतरे नीचे हैं सर, हम भी उतरे हैं। हाँ, आप हमें बताएंगे, दिखाएंगे। ये प्राकृतिक, कोई बनाया हुआ नहीं मंदिर है, प्राकृतिक शंकर भगवान है। जी जी जी, शंकर भगवान है जी। मंदिर तो प्राकृतिक ही है जी जी। ये सगरे से पत्थर है जी, ये पत्थर से कटते हुए जो है से लिंग अटैक में बना जी ना, और अटैक में लिंग किसी का स्थापित नहीं है जी। बनाया हुआ नहीं है ये। इनका अर्घा जो है, इनका अर्घा जो है पूर्व साइड में जी। अब हर लिंग का अर्घा जो है उत्तर होता है। अच्छा अच्छा, तो जहाँ जो प्रगट जो भगवान है जी, वे पूर्व साइड में ही अर्घा होता है। अच्छा, इसे ये जो है से भगवान प्रगट है, इनका पूर्व साइड में अर्घा है। और ये देखिए, माँ गंगा के साथ में भगवान है। माँ गंगा पूरा जो है से भरी हुई है जी, और माँ गंगा के साथ में रह रहे, फूलपति चढ़ा हुआ है, और जितना भी दर्शक लोग आते हैं उनका सबका मनोकामना पूरा करते हैं। जी 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 जी, बहुत बढ़िया जी, बहुत अच्छा है। और हमने सुना था, आज हमने देखा भी यहाँ पे, और यहाँ आप सभी हमारे दर्शक जो देख रहे हैं बाबा का दर्शन कर रहे हैं मेरे इस चैनल के द्वारा, आप यहाँ पे आके एक बार जरूर अवश्य दर्शन करें और यहाँ के इस स्थान को देखें। ये किसी महाकालेश्वर मंदिर से कम नहीं है, बाबा बैजनाथ धाम। पत्थर का दीवार है जी, ये पुराने जमाने के पत्थर का दीवार है जी, जिसमें कि किंग दरवाजा टाइप पर दुहारी था गोलाकार जी, चौकट है नंदी महाराज के पास पुराने जमाने का, जो जो यहाँ पर था, लेकिन 3 चौकट गायब है और दरवाजा गायब है। औरंगजेब के टाइम में ये भी मंदिर टूटा गया है, औरंगजेब के टाइम में ये मंदिर टूटा गया है। साक्षात प्रमाण ये चौकट बताता है, पुराने जमाने का चौकट है, उसमें लोहा का किल लगा हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये सब है, ये करीब लगभग 5 फीट का है।
इसका जो है धरोहर रूप में यहाँ पर स्थापित कर दिया है कि ताकि इधर उधर से टूटे न। ये पुराने जमाने का चौकट, वो जो आप इस चीज़ को देख रहे हैं, जो यहाँ पे बाबा बता रहे हैं, ये उस समय के इतिहास का वर्णन दर्शाता है। दर्शाता है जी। और ये पुराने जमाने का बिया का पेड़ है, जो कि ये पेड़ उसी समय का है। उसी समय का पेड़ है, कब का है वही परमात्मा जानेंगे जी। लेकिन एक चीज़ है कि जब से हम लोग देखे हैं, हमारे वंशज देखा है, तब से ये वेदी पेड़ जैसा के तैसा है। ये साक्षात प्रमाण है कि यहाँ जीवित आत्मा बसी है ईश्वर की। और आप एक बार जरूर इस चैनल को देखने का गण है, यहाँ गण लोग का है सब स्थान। ये पहाड़ जो था से छटा हुआ था, लेकिन इस सब कार सेवा में हम लोग जो है पंचकर्मा करने के लिए बनवाए। हम लोग एक गिरनाथ सिंह के टाइम में महात्मा आए थे, जिससे के महात्मा के लगाव से हम लोग भी ग्रामवासी सहयोग किए। अवकार सेवा में ये पूरे जो है सटा हुआ था, सब जो है हम लोग इतना फैल किए पंचकर्मा करने के लिए। जी, यहाँ पे सकरीन जगह था है। जी, अब तो बहुत ज्यादा चौड़ा जगह बन गया है। हाँ, अब तो बहुत चौड़ा जगह बन गया है। प्रभु का इच्छा यही था, हम लोग लगे अवकार सेवा एक महीना तक चलता रहा जी। और जिसमें कि सब जो है हम लोग जो है इतना फैल कर दिए। अब ये गिरनाथ सिंह जो है अपना टाइम में ढलवाए है मंदिर का जी। और जो पुराना जो मंदिर है उसको थोड़ा सा डाउन करवाए, एक के चलते कीर्तन भजन करने के लिए ये पुराना मंदिर जो है डाउन करा करके और कलम पर जो है इसको ढलाई किया गया। अच्छा अच्छा। ये पुराना इसका घर मिली कम से कम 5.5 फीट 6 फीट है। 6.5 फीट नहीं, 6.5 फीट के लगभग। एक पूरे पत्थर का है, इसमें तोड़वाने समय जो है बेल चुना सुर्खी निकल रहा था, पत्थर का बड़ा बड़ा सील निकल रहा था। जी जी जी। यहाँ पे तो पुराना इतिहास है मारहों का भी, गढ़वा के इतिहास में जहाँ पे चूने पत्थर और घड़े वगैरह निकलते हैं है। आप देख रहे हैं हमारे इस चैनल को, तो आप समझ जाएं कि गढ़वा के इतिहास में बाबा खोनहर नाथ का कितना बड़ा सहयोग है, यहाँ पे कृपा है हम सभी लोगों पे, गढ़वा के वासियों पे इनका आशीर्वाद सदैव बना रहता है। और यहाँ पे बाबा वो कभी मेला वा भी लगता है। हाँ, महाशिवरात्रि में मेला लगता है जी। और सावन का सभी सोमवारी को बहुत भीड़ लगता है जी। और मेन जो है 2 दिन मेला लगता है महाशिवरात्रि में, एक नहाने खाने के दिन और एक जो है उपवास के दिन, जो कि पैर धरने का जगह नहीं रहता है। इतना बड़ा कंपाउंड है फिर भी पैर धरने का जगह नहीं मिलता है। काफी संख्या में लोग हजारों हजारों की संख्या में यहाँ पे आते हैं और दर्शन करने के लिए। और हम तो आप सभी दर्शकों को यही कहना चाहेंगे कि एक बार थोड़ा परिश्रम करके यहाँ आप दर्शन जरूर करें और गढ़वा के इतिहास में इस स्थान को प्रदर्शित करें। जी, सहयोग में मेरे भाई। यहाँ पे आप कुछ मान्यता है उसको हमें बताइए, जो आप बता रहे थे कि यहाँ पे कोई दीवार है, क्या है? दर्शकों को आप बताएं यहाँ पे और क्या खूबियाँ हैं जिसे लोगों को यहाँ आना चाहिए। यहाँ का जो दीवार है वो उसका चौड़ाई जो है 5.5 फीट से ऊपर है, 5.5-6 फीट ना जी। जो कि ऐसा दीवार जो है चौड़ाई बनना आज के युग में बहुत मुश्किल है जी ना। और वो देखिए जो पत्थर जितना है, जितना मंदिर है उतना में भी पत्थर है, और पत्थर के साथ में ही वे पूरे पत्थर का ऊपर तक उठा हुआ था। और पूरा गुफा भी बना है तो उसी पत्थर में बना है, उसी के अटैच में सब बना। सबसे बड़ी बात कि बाबा का जो लिंग है वो कहीं से शिवलिंग जो कहीं से बनाया हुआ नहीं है, बनाया हुआ नहीं, लाया हुआ नहीं है, नहीं कहीं से लाया हुआ भी नहीं है, नहीं नहीं है। सबसे बड़ी बात कि ये प्राकृतिक चीज है जी। जी, वो बनाया हुआ नहीं, काल्पनिक नहीं है, काल्पनिक नहीं है। जहाँ के लोग जहाँ तक यूट्यूब जाए अभी हर लोग जो है एक बार आवे बाबा के दर्शन करने। जी जी जी। सबका हम यही मनोकामना सबके मांगते हैं कि बाबा जो है मनोकामना सबके पूरा करें और हजारों हजार की संख्या में यहाँ आवे, भगवान शिव का दर्शन करें। बम भोले शंकर, जय हर हर महादेव। तो हम चलते हैं। 2 मंदिर है जो सत्येंद्रनाथ तिवारी बनवाए थे जी ना। तो ये मंदिर सत्येंद्रनाथ तिवारी बनवाए थे, ग्राम देवी का है, और
और एक हनुमान जी का है, ये जो है से आप अभी घुस रहे हैं उसमें, ये ग्राम देवी का मंदिर है जो कि नीम का पेड़ है और त्रिशूल लगा हुआ है। तो इधर का ही लोग एक महात्मा थे, वही स्थापित किए थे, लेकिन मंदिर बनवाए थे दोनों सत्येंद्रनाथ तिवारी जी। ये देखिए नीम का पेड़ है, ये ग्राम देवी है, फूलपति चढ़ा हुआ है जी। और ये मंदिर का जो है मूर्ति जो है खंडित हो गया था जी, जो कि गढ़वा के अधिकारी राजेश पाठक जी के द्वारा ये मूर्ति का दिया हुआ अनुदान है, जो कि आज के 10 दिन पहले जो है इनका प्राण प्रतिष्ठा हुआ है। ये थोड़ा सा इस मूर्ति के बारे में हमें एक बार और बता दे दर्शकों को कि जो है ये मूर्ति की स्थापना कैसे हुई थी। ये मूर्ति पहले एक मूर्ति था जो कि सीमेंटेड था जी, तो खंडित हो गया था मूर्ति, तो उसी पर जो है मंदिर बना दिए थे सत्येंद्रनाथ तिवारी। लेकिन हम पाठक जी, राजेश पाठक जी से अनुरोध किए कि एक बार आए तो अनुरोध किए कि खंडित मूर्ति का पूजा नहीं होना चाहिए जी जी, लेकिन एक मूर्ति अगर कहीं मिल जाता तो अच्छा होता, तो अपने से ही जो है से जोधपुर से मूर्ति मंगवा करके अब स्थापित इस जगह कराए जी जी जी। बहुत बड़ा सहयोग रहा है, हमारे विधायक भी रह चुके हैं सत्येंद्रनाथ तिवारी जी, और इसमें विधायक भी रह चुके हैं और राजेश पाठक जी का भी इसमें सहयोग है। हाँ जी जी, मैं नमन करता हूँ उनको भी जो हमारे हिंदू धर्म के कार्य में हमें सहयोग किए। हाँ तो ठीक है, और इस चैनल के माध्यम से हम आप इस मंदिर को दिखा रहे हैं, बाबा खोनहरनाथ मंदिर धाम जो गढ़वा में पड़ता है, ग्राम गिजना में ये मंदिर है, स्थापित है और वर्षों पुराना ऐतिहासिक मंदिर। आप एक बार जरूर अवश्य आएँ और यहाँ पे दर्शन करें, और महाशिवरात्रि मेला का जो है आयोजन होता है यहाँ पे, जैसा कि बाबा ने हमें बताया। तो हम यही आप सभी दर्शकों से अनुरोध करेंगे कि इस चैनल के माध्यम से आज जो आप वीडियो देख रहे हैं एक बार अवश्य यहाँ पे आएँ, सैकड़ों हज़ारों की संख्या में यहाँ पे भीड़ लगी रहती है और यहाँ पे जो भी मान्यता लोग मांगते हैं उस मान्यता को ईश्वर पूरा करते हैं। आप एक बार अपना माथा यहाँ अवश्य टेकने आएँ जी जी, ठीक, धन्यवाद। तो अंत में हम वीडियो को समाप्त करते हैं और आपको भी हम प्रणाम करते हैं, हमें भी आशीर्वाद दीजिए कि मेरा चैनल इसी तरह से बरकरार रहे, इसी तरह से चलता रहे जी। मेरा आशीर्वाद है जी। अब मेरा आशीर्वाद क्या, बाबा खोनहरनाथ बाबा का आशीर्वाद रहेगा, तो सब आपका चैनल जो है चलते रहे जी। तो हम अब वीडियो को अंत में हम समाप्त करते हैं, थोड़ा सा परिसर को दिखाते हैं और फिर हम यहाँ से चलेंगे गढ़वा की ओर। प्रणाम। तो जैसा कि आपने देखा, अभी हमने इस मंदिर का अवलोकन कराया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और इस तीर्थ स्थल पर एक बार अपना माथा को टेकने जरूर अवश्य आएं। यहाँ पे प्राकृतिक देवता की पूजा होती है, आपको हर सुख सुविधा इनके द्वारा मिलेगी और इनका आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे। नमस्कार, प्रणाम, जय झारखंड, जोहार।